हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं राज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप देख ही चुके होंगे कि सेटअप बॉक्स में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें क्या हुआ है, तार टूट के अंदर जंग लग जाने कारण, ठीक है, तार इसमें टूट के रह गया और एकदम जड़ से टूट गया कि इसको मैं निकाल भी नहीं पा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है वो आप अभी जान लीजिए, ताकि आपके पास जब इस तरह फ्यूचर में प्रॉब्लम आता है तो आप उसको बिना कुछ समय गवाए तुरंत ठीक कर पाए। ठीक है, तो देखिए इसमें तो अब लगने से रहा, अब नहीं लग पा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेटअप बॉक्स को खोल लेना है। दो स्क्रू वहाँ, एक स्क्रू यहाँ से, फाइबर बॉडी वाला सेटअप बॉक्स जो, उसको खोल सकते हैं आप। अब देखिए, अब इधर भी गैप नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, कि आपको आप इधर से किसी चीज़ लगा के अगर ऐसे फोर्स करेंगे, दबाएंगे, पुश करेंगे तो बाहर निकल जाए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम आसान उपाय मैं बता देता हूँ। मैंने बहुत जगह काम किया, शायद ही कहीं इस वाले पोर्ट का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, सिग्नल आउट का कहीं ज़रूरत नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा कि इस पोर्ट का भी लोग यूज़ करते, कभी नहीं होता, आपके घर में भी नहीं होता होगा। अगर आपके घर में होता है तो आप मुझे बताएं, मैं और भी कोई दूसरा विकल्प बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए अभी आपको क्या करना है, इसको काट दीजिए यहाँ से। ठीक है, इसको काट दीजिए, काट के इसको अलग कर दीजिए। ठीक है, अलग कर देने के बाद अब आपको क्या करना है, एक तार का टुकड़ा लेना है। ठीक है, उस तार के टुकड़े से यहाँ और यहाँ सोल्डिंग कर देना है। ठीक है, ठीक है, अब आपका क्या हुआ, ये पोर्ट में आप सिग्नल लगा ना देखे, इस पोर्ट में आप सिग्नल देंगे तो भी आपके जो डीटीएच कार्ड है उसको सिग्नल मिल जाएगा और आपका टीवी फिर से चलने लग जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के ज़रूरी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी वीडियो, कोई भी प्रॉब्लम पर वीडियो चाहिए सेटअप बॉक्स से, तो आप मुझे बताइए, मैं आपके कहे अनुसार प्रॉब्लम पर वीडियो बना के दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।